नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामेन टेक एंड बैंकिंग YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं अपने इस YouTube चैनल माध्यम से लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, CSP अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक, अदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूं। दोस्तों आज हम बात करने हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में AEPS बोलते हैं। AEPS का मतलब होता है जिससे आप आधार कार्ड के द्वारा पैसा निकालते हो, जो कि हम अपना बैंक में ना जाकर अपने आधार कार्ड के द्वारा किसी भी दूसरे अन्य स्थान पर जाके आधार कार्ड के द्वारा हम पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे में आप यदि आप आधार कार्ड का ज़्यादा यूज करते हैं तो आपको भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब आधार कार्ड से जो विड्रॉल या डिपॉजिट मिनी स्टेटमेंट जो भी चेक करते हो उसका अब नियम बदलने वाला है। जैसा कि हम अभी जानते थे कि कहीं भी हम आधार कार्ड द्वारा बैलेंस निकालते थे तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब वो नियम बदलने वाले हैं। 1 दिसंबर 2022 के बाद यदि आप महीने में एक बार से ज़्यादा पैसा निकालोगे तो आप पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो चार्ज कौन कौन से लगेंगे, जैसा कि आप चार्ट पे देख रखे हो, यदि आपने महीने में एक बार से ज़्यादा पैसा निकाला तो एक ट्रांसफर तो आपका फ्री है, लेकिन एक ट्रांसफर के बाद महीने में दूसरा ट्रांसफर अगर आप निकालते हो, कहाँ पर निकालते हो, अगर आप जिस अदर पोर्टल पर, जैसे कि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है, यदि आप वहाँ से ट्रांसफर करोगे तो आप पे चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन यदि आप किसी CSP पॉइंट पे, स्टेट बैंक का CSP हो गया या किसी अदर बैंक का CSP हो गया या कोई प्राइवेट पोर्टल लिए बैठे हो, उस पर जाके अगर आप एक बार से अधिक पैसा निकालोगे तो उस पर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, यदि आप विड्रॉल करते हो तो आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको पे करना पड़ेगा प्लस GST। डिपॉजिट करते हो तो भी आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन प्लस GST चार्ज लगेगा। यदि आप मिनी स्टेटमेंट भी चेक करते हो, जैसा कि आप सोचते हो कि मिनी स्टेटमेंट चेक करना, हमें बैलेंस चेक करना है तो मैं फ्री में होगा, नहीं, ये बहुत भारी नुकसान होने वाला है जो आधार कार्ड का ज़्यादा यूज करते हैं। यदि आप बैलेंस भी चेक करोगे ना, मिनी स्टेटमेंट भी निकलवाओगे तो भी आप 5 रुपये कटने वाला है, 5 रुपये प्लस GST चार्ज आप पे लगने वाला है। तो ऐसे में अब आप सावधान हो जाइए। दूसरी बात, आपको एक खुशखबरी केवल इतनी है कि ये अभी जो नियम लागू करने वाले हैं 1 दिसंबर 2022 से, वो केवल अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने चालू किया है, तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वालों पे काफ़ी भारी नुकसान होने वाला है, कस्टमरों पे बहुत ही बैड न्यूज़ है उनके लिए। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है तो उन पे बहुत ही भयंकर चार्ज लगने वाले हैं। वो केवल महीने में एक ही बार अपना आधार कार्ड इस्तेमाल कर पाएंगे फ्री में, बाकी का उनको काफ़ी चार्ज देना पड़ेगा। जैसा कि आप इसमें चार्ट में देख रहे हो, इस तरीके से आप डिपॉजिट करेंगे तो भी उनको पैसा देने पड़ेगा, विड्रॉल करेंगे तो भी उनको पैसा देने पड़ेगा, यहाँ तक कि वो अगर अपना बैलेंस चेक भी करते हैं मिनी स्टेटमेंट से तो भी उनको 5 रुपये से ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। तो ऐसे में इंडिया पोस्ट पेमेंट वालों को काफ़ी भारी नुकसान होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हो, ये सब एक शुरुआती तौर पे एक बैंक के द्वारा किया जाता है, अभी केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना नियम लागू किया हुआ है 1 दिसंबर 2022 के बाद से। हो सकता है आने वाले समय पर और भी बैंकें अपना ये नियम सख्त कर दें AEPS पे, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा जो खाताधारक है वो आधार कार्ड से जो पेमेंट निकालते हैं या करते हैं तो उनके लिए बहुत ही एक प्रॉब्लम होने वाली है। तो फिलहाल अभी तो ये सहूलियत है केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये अपने ग्राहकों के लिए बैड न्यूज़ दी है कि 1 दिसंबर 2022 के बाद वो कोई भी फ्री ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, केवल एक ही ट्रांसफर वो फ्री कर पाएंगे, उसके बाद वो अन्य किसी भी पोर्टल से पैसा निकालने जाएंगे तो उन पर चार्ज कटेगा। तो एक छोटा सा अपडेट था, अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।